माय चैनल, कैसे हैं आप सब? तो गाइस, मैं अमिता वशिष्ठ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस खोए की रेसिपी। ये खोया जो है मैंने घर में बनाया है 1 लीटर दूध से, और तो आप देख सकते हैं ये घर का एकदम प्योर खोया है। बाहर से हम लेते हैं तो हमें डर रहता है कहीं उसमें मिलावट ना हो, तो ये एकदम घर का जो मावा है मैंने बनाया, आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को देखते रहिएगा फ्रेंड्स। गाइस, ये 1 लीटर जो है दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें उबाली आएगी तो उसके बाद हम इसका मावा बनाएंगे। मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो दिखाती रहूंगी। इसमें उबाली आ गई है, अब इसको हमने गैस को मीडियम करके इसको चलाते रहना है, और इसको जब तक ये एक थिक खोया नहीं बन जाता तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। ठीक है, गैस को मीडियम कर दीजिएगा और लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे तले पे ना चिपके। खोया बनाते हुए कोई मोटे तले का बर्तन ही आपने लेना है, जैसे कि ये झाग एकदम बाहर आ गए थे तो मैंने एकदम सिम कर दिया इसे। तो इसी तरह से हम इसे पकाते रहेंगे, बीच में गैस तेज कर दीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि नीचे ना लगे और जो है बाहर भी जो है दूध ना निकल जाए। तो इसको अच्छे से पकाते हैं हम। फ्रेंड्स, ये दूध जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, पर अभी हमने इसे बहुत पकाना है जब तक कि ये एकदम मावा नहीं बन जाता। तो इसको चलाते रहिएगा और साइड से ऐसे निकालते रहिएगा ताकि एक तो आपकी कढ़ाई गंदी ना हो। चलाते रहिएगा इसे रेगुलर, आप तेज भी कर सकते हैं। जब आप इसे रेगुलर देख रहे हैं और चला रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये लग नहीं रहा है, तो आप गैस को तेज भी बीच बीच में कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको पूरा ध्यान जरूर देना है ताकि जो है खोया नीचे, ये दूध जो है नीचे ना लगे और जो है वो जल भी ना जाए, क्योंकि जलने की अगर स्मेल आ जाएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया, एकदम मावे जैसा ये दिखाई दे रहा है ना। अभी ठंडा होने के बाद जो है ये और ज्यादा थिक होगा, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही जो है वो चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये हमारा बनके तैयार है, एकदम प्योर फ्रेश घर पे बना हुआ मावा बिना मिलावट के। तो आप इसको किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं, किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको मावा खोया जो भी आप बोलते हैं इसको यूज करना है, इसको आप मजे से यूज करिए। इसको ठंडा करिए, उसके बाद यूज करिएगा। ठीक है, ठंडा होने के बाद ये और बड़ा होगा। ये मैंने गैस बंद कर दिया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।